वही क्वेश्चन, अननोन प्लैनेट, 1/4 द मास ऑफ द अर्थ, इसका शॉर्टकट देखो, मास सॉरी वेट ऑन द अर्थ अपॉन वेट ऑन द अननोन प्लैनेट। वाई आर वी डूइंग दिस? ये ट्रिक रेशियो की हमेशा काम करेगी जब जब एक कोरिलेशन दिया हुआ है। जैसे हमको कोरिलेशन क्या मालूम है, जी अर्थ पे क्या उसका वेट होता है, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मैन अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन अननोन प्लैनेट पे उसका वेट क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अननोन प्लैनेट, मास ऑफ द मैन अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। मैंने रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया, बिकॉज अननोन प्लैनेट का रेडियस भी रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। नाउ देखो सारे वेरिएबल कैंसिल होते चले जाएंगे, ये क्लियर देखा, मास ऑफ द अर्थ अपॉन मास ऑफ द मून के बराबर, सॉरी मास ऑफ द अननोन प्लैनेट के बराबर। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, 250। निकालना क्या है, वेट ऑन द अननोन प्लैनेट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ अपॉन व्हाट इज द मास ऑफ अननोन प्लैनेट, 1/4 द मास ऑफ अर्थ, डाल दो उसको 1/4 द मास ऑफ द अर्थ, ये देखो फिर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 के बराबर। देयरफॉर वेट ऑन द अननोन प्लैनेट ये उधर जाएगा तो 4 नीचे आएगा, 250 अपॉन 4 देखो वापस से 62.5 न्यूटन। सो ये शॉर्टर ट्रिक है, ये हमेशा काम करेगी जब जब कोई दो चीज के बीच में एक कॉमन कोरिलेशन है और काफी सारे वेरिएबल सिमिलर होंगे और कैंसिल हो जाएंगे। ओके चलो, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो एट ऑन एनालाइजिंग एंड यूजिंग द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एज अ मोशन इन वन डायमेंशन। ओके थैंक यू सो मच।